क्या बात है, बड़ी सफाई से काम हुआ। क्या क्यों भाग रहा है? भाग क्यों रहा है? अरे मोर राम हो, अरे राम हो, अरे राम हो। बात क्या है बाबू साहब? हाँ? ले चला हमारा अल्ट्रासाउंड कराओ। अरे किस लिए? किस लिए? अरे कि पागल सार भेटाई कर रहा, हमका पटक दे रहा, हमार बहुत पेड़ पिजात बा है। अरे राम हो। पागल के पटकने पर तुम्हारा मैं अल्ट्रासाउंड कराऊं, चेकअप कराऊं, बात क्या है? अरे बाबू साहब कहूं गड़बड़ाई के बाद कुछ उल्टा चीज अगर वही के बाद बाबू साहब मुझे कहा लायक न रहा। इसका मतलब है तुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है? ऐसे पिछवरवा बहुत पिराता है, पिछवरवा बहुत पिराता है। अरे मोरे रहा बाबू साहब। क्या बात है? जब पागल जब लगाओगे तो क्या होगा? उतारे बैठू नहीं पाओ नहीं। इनका ही नहीं मालूम है कि पगले से दूर रह जाए। अरे हमारे कहा पर है? पागल से तो भेजेगा तो और क्या पाएगा, और यही मिलेगा। कुर्सी लावे और पहले अब तुम्हारे आज कराएंगे। चल नहीं पाते हैं बेचारू। जब पगले से बात करे कब में बेड़ हाथ से डंडा हो तुम, मगर समझ नहीं पाया। हम तोते साथ सीधा सादा बाटे हता था, हम पहुंचे खाए के दही मारे, दही मारे के बाद बाबू साहब हमार पैंट वो उतार लिए। अच्छा भाव का हम नीचे बड़का चड्ढा पहने रहे, नहीं तो बाबू भारी समाज में तोहार बेइज्जती हो जाए। हमार पैंट उतारे तोहार बेइज्जती हो, हमार सरासर तोहार होते। अरे नौकर के कर रही हम? हमार नौकर है। तोहार नौकर रही ना? हाँ। तो बेइज्जती के कर हो? अच्छा पैर तो हाथ आज बेचती हमार होते, पैर तो आज बेचती तो हो रही होते जो उनकी भक्ति है। तू बाबू साहब आप भूला तहा याद करा बाबू साहब आज एक बात भूला तहा आप हैं? कि हम त्योहार मनाइए ही। अच्छा हमार मनाइए? और का हम त्योहार मनाई ना भाई? अरे सोचे के जब हम त्योहार बता रही तब का हम त्योहार मनाइए, हम इनके घरारू हो गया है। पागल का पटके का खुद पगला गया है। अरे बाबू साहब जो आप, मैं आपके नीचे वाला हूँ कि नहीं? अबे नौकर कहते हैं नीचे वाला क्या है भाई? कि नहीं त्योहार मनाई हम? अब लो साला हमको भी क्यों बना रहा है? अब भाई आप कहूँ चला जाबे, कोनो चीज की जरूरत लग जाए तो कहबे ना कि आप जाओ मेरे आदमी से ले लेना। हाँ मेरे आदमी से ले लेना। अब साले तू समझता नहीं, उल्टा ना बोल, बैठ जा भाई पर, मैं थोड़ी मिनट इंतजार करता हूँ। तेरे ससुराल तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तुम यहीं पर खड़ी रहो, मैं अंदर जाके देखता हूँ कौन है कौन नहीं। जा रहा हूँ अंदर। हिम्मत हुई मेरे घर में,
हिम्मत हुई कुंदरवा सोचा नहीं है मका गए आज आके ये धमकी ये देता मुझे भेज दूंगा ये साले मैं बुल के धमकी से मैं डरने वाला नहीं आज देखूंगा मैं तेरी ओ कान को साफ करके जला क्या समस्या है तू यहाँ पर आया तो बस चला जाएगा वाह मेरी हवेली में दो कौड़ी का नौकर मुझको धमकी देने आ गया क्या करवा तो क्या समझता था अपने आप को रंगबाज समझता है जय प्रताप सिंह माँ का दूध पिया है ना नहीं मैं तो समझता हूँ डब्बा का दूध पिया है अगर जरा सी तेरे अंदर मर्दानगी है तो धोखे से इंसान किसी को कुछ कर सकता है अगर अपने आप को मर्द समझता है तो आज मैं तेरे घर पे आके चल के आया हूँ ये भी चैलेंज देता हूँ अपने आप को मर्द समझता है जो धोखे से बंदी बनाया है खुलवा दे देख ले मर्दानगी कैसी ना होती है आवाज नीचे करके बात कर सुनवा ठाकुर के बच्चे है देखो दूसरे की जाती चाप चाह लिख दिया और चाप चाह गया दिया कहा गया है शेर कितना भी सिकंजे में हो लेकिन उसकी धार कम नहीं होती बाबू साहब ये फड़फड़ा रहा है जैसे मछली की तरह जल से बाहर निकाल लो तो मछली फड़फड़ाती है बात सही है राजनीति का दौर है राजनीति का दौर है दिया जैसे अपने आप को मर्द समझता है अगर असल माँ बाप की औलाद है मेरा ये जो अपने हाथ हाँ मेरी हथकड़ी खुलवा दे तब देखो मैं कितना बड़ा मर्द लगाता है बतावा पंचव चलिए का सारे खोल दे जो ने बाबू साहब कहू लाई सरऊ खोल दे चले मारे बाबू साहब आप घबराए ना लेकिन रही बात मर्द वाली ना कहा था ही बाबू साहब क्या बात है देखा हाथ जोड़ के बिनती ऐसे सारे समरवाया सारे क्या कहता है हाथ खोल दू क्या हंसता है अब तूने भी ठाकुर की चाल नहीं देखा कभी भी अगर कोई चाल चलता है तो अपने दिमाग से चलता है समझता हूँ ठाकुर की क्या औकात होती है क्या औकात होती है ठासे ठाकुर कुकर कुकर मिला से रारी तीनों गुण होता है तब बनता है ठाकुर और तीनों गुण मिला के पी गया हूँ तब तेरे पास दार्ता से तरह आया हूँ आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरा गुण और मेरा अवगुण कितना काम आएगा सेमा अगर अपने भाई की जिंदगी की सलामती चाहती है तो दफा हो जाए यहां से दफा हो जाए यहां से वरना दोनों की यहां से लाश जाएगी जिंदा तो आया है पारों पर चलकर मगर जाएगा कंधों पर बस यही जिंदगी में सीखा है यही मैं का दूध पिया है जज्बात दिखाता है तो औरतों के ऊपर अरे तुम जैसे हिजड़ों को तो मैं सलाम करना नहीं चाहता वाह वाह क्या मर्द बनता है क्या मर्द बनता है ये एक बात धोखा हम समझा दे चाहिए बाबू साहब जब हमारे ताऊ दिखावे थे तो मेहर ऊपर मनशेधु के ऊपर दिखावे थे तो हुलाई जाती नहीं जवला तो हूँ अरे कई बतिया भाई ठाकुर सुबेदार अब ठाकुर का दिमाग देख कैसा लगाता है लगा था आने पर पाऊना और उसको अरेस्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे घर में आया और मेरी जान लेने के लिए हमला जय प्रताप
तेरी बात सुनकर मुझे हजी आ रही है। धोखे से बल्ली बनाया, थाने पर फोन लगा रहा है, पुलिस आएगी, हथकड़ी लगाएगी, जेल ले जाएगी। लेकिन मर्दों का क्या काम है जानते हो? क्या काम है? हाथ में पड़ी हथकड़ी तो समझा कि मिल गई घड़ी। अच्छा, नहीं तो क्या हुआ? साइकिल में घबराया जी। मेरी बात को सुन, जेल जाने वाले मर्द कभी डरते नहीं। वो कहना क्या है कि हाथ में पड़ी हथकड़ी तो समझा कि मिल गई घड़ी, और जेल खाने को समझा कि ससुराल है, और बांधने वाला लहुरा मेरा सार है। आप तो सरासर गलत बात बोल रहे हो। बता दे तो जान निकल जाए। तोरे इनकम का डेट दिए, क्यों डेट नहीं परिवा? सोच ले बना है, इसके हाथ वाला है, मगर फिर भी कहते हैं कहावत में कहा गया है कि रस्सी कितना भेजा जाए मगर उसका आठ नहीं जाए। पहले भी मैं कह दिया, इसके पहले कह दिया कि शेर कितना भी सिकंजे में उसकी धार कम नहीं होती। शेर बनता है अपने आप को। तेरी मर्दानगी और तेरी शेरनी अभी मैं दिखाता हूँ। फोन लगा के दरोगा साहब को बोला, इसको आरेस्ट करवा। ठाकुर का दिमाग है भाई, तुरंत ही लगाई बाबू साहब, देर में लगाई। देर मत कर भाई, ये तुरंत ही लगाओ। तही के हेलो हेलो, हाँ दरोगा साहब, आप जल्द से जल्द से जल्द, आपको बाबू साहब याद कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द पहुंचिए तत्काल तुरंत। नमस्कार नमस्कार, क्या फोन आप ही करवाए थे? मैं करवाया था फोन, सुबह रात में फोन करवाया था। किस लिए? अरे दरोगा बाबू, आज तो मैं बच गया। हमारे घर में कुंदनवा, मेरा तो जान ही ले लेता। ये तो कहो, मैं सो नहीं रहा था, जाग रहा था। मैं बैठा था अपने हवेली में, और बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हमारे पास इस समय बहुत खुशहाल है, और एक चुपके से आया मेरे घर में, मुझ पर हमला कर दिया, मेरी जान लेना चाहता था। और किस नियत से आया, इसको आप आरेस्ट करके पूछेंगे। ये मेरी जान लेने आया था कि मेरी हवेली को लूटने आया था? ठीक है ठाकुर साहब, मुजरिम यही है। चौकीदार, इसके हाथ में हथकड़ी डालो और इसे थाने ले चलो, वहीं पर इससे पूछताछ किया जाएगा। ठाकुर साहब, अब मैं थाने पहले इससे पूछताछ करूंगा, उसके बाद जो कुछ बतलाएगा उस समय आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो चलता हूँ। चलो ले जाओ इसको, चलो चौकीदार ले चलो। चौकीदार बचिया की इंसान, रुक जाओ चौकीदार, क्यों चौंक रहा है बे? किराए का टट्टू है ना तू, तेरी औकात क्या है? मुजरिम से तू बात नहीं कर सकता। आज तुम्हें कानून की हिरासत में हूँ, आपका मैं अदब लिहाज करता हूँ, आपकी वर्दी की कीमत करता हूँ, लेकिन इस कुत्ते कमीने की कीमत नहीं करता। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ठाकुर साहब, समझ भी रहा हूँ। बाकी मैं आपसे बोला, और ऐसे जैसे मर्द इस दुनिया में पैदा होंगे, ठाकुर के नाम पे कलंक है, जो दूसरों के बल पर, दूसरे के कंधे पर बंदूक लगाकर निशाना गोली चलाते हैं, ये मर्द के बच्चे हैं। लेकिन मैं आपकी कीमत, आपकी अहमियत कर रहा हूँ, आपकी वर्दी कीमत कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैं याद तो चल रहा हूँ। अब मेरा दुनिया में है कौन,
किस बहन के लिए यहाँ पर आया था? जब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रहेगी, मैं इस दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, तो मेरा है कौन? ये तुम्हारे बहन का घर है। ये मेरी बहन का घर है। ये हरामखोर कुत्ता कमीना नापदान का कीड़ा मेरी बहन को प्यार के जाल में फंसा कर उसे शादी किया। शादी करने के बाद मेरी बहन एक बच्चे की माँ हो गई। मेरे बच्चे की माँ मेरी बहन की बच्चा जो है उसके पास भी एक औरत है। ये कमीना मेरी बच्चे होते हुए भी मेरी बहन के लिए सौतन लाया। मेरी बहन को घर से बाहर किया। उसी बहन के लिए मैं यहाँ पर आया था। और आज आप इसके कहने में चोरी करने आया हूँ? नहीं, मर्द चोरी नहीं करते। मानता हूँ, मुझसे बात कम कर। देखिए, मैं आपकी बात को मानता हूँ और आपको खून को भी समझ रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना खून तेरी गर्मी दिखा रहा है। ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी तुम्हें मालूम होगा कि पुलिस वालों को सबूत चाहिए। मानता हूँ, लेकिन दरोगा बाबू आपसे कहूंगा, आप भी इंसान है, आपके पास भी कोई बहन बेटी होगी। अगर आपके बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपका क्या खून ठंडा रहेगा? नहीं, ठंडा मेरा भी नहीं रहेगा। मैं इस वक्त आपकी वर्दी कीमत कर रहा हूँ, लेकिन चल तो रहा हूँ, लेकिन किसी ऊपर वाले से कहता जाऊंगा। इस वक्त मेरे साथ थाने चलो, बाकी जो होगा सो हम देख लेंगे। बच्चा हुआ जिस बहन के लिए इतनी बड़ी जिल्लत उठाया, आज फिर भी उसे छोड़कर मुझे जेल जाना पड़ रहा है। तो तनहा के लिए बची कि ये दुनिया ये महफिल हवेली पर पहुंच गया हूं। मीना को लौना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि मीना अगर ऐसा चला तो एक ना एक दिन खतरा कर सकता है, क्योंकि अगर जेल से वापस आएगा तो मेरे जान का खतरा है। इसलिए मैं चाहता हूं मीना से इस चीज की राय लेता हूं। अगर इस चीज की राय नहीं लूंगा, अगर इसको फांसी तक नहीं पहुंचाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलता हूं, फिर मुलाकात होगी।